अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, सुबह से लेके शाम तक भाग दौड़ तो करते हो, थकते भी हो, लेकिन रात को जाकर हारा हुआ महसूस करते हो, वो गोल्स, वो ड्रीम्स, वो एम्बिशंस और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क हैं वो 2-4 दिन से नहीं, महीनों से और सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आकाशवी शर्मा आपका मोटिवेट मी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने व्यवहार को समझने की। पता है आपको हम किस चीज़ से कनेक्टेड हैं, क्यों हम उन चीज़ों को कर लेते हैं जो हमारे पूरे दिन में सामने आती हैं, और क्यों उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जिनको हम करना चाहते हैं और जो पेंडिंग रह जाती हैं। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज ही डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, अगर आप मीठा खाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, चाय फीकी पीना शुरू नहीं करते हैं या मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या फिर आपकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी, आप क्या करेंगे? कौन सा एक्शन है जो आप इमीडिएटली लेंगे? आप फीकी चाय शुरू कर देंगे, मॉर्निंग वॉक वॉक पर हो सकता है इमीडिएटली बाहर ना जाएं लेकिन छत पर मॉर्निंग वॉक शुरू कर देंगे, आप मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देंगे और हो सकता है यूट्यूब पर उस दिन रिसर्च भी करें कि हाँ ये जो डायबिटीज़ है या ये जो भी प्रॉब्लम है ये किस वजह से है। तुरंत क्या हो गए? डिसिप्लिन हो गए। तुरंत क्या किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं या फिर 100 बच्चों का सैंपल ले लेते हैं, उसमें से कितने होते हैं जो डेडिकेटेड मैनर में पढ़ाई करते हैं? 4-5%। आप जानते ही हो 4 या 5% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिवोटेड होते हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, बाकी के जो बच्चे होते हैं क्या आपने उन्हें कभी पढ़ाई करते नहीं देखा? वो भी तो पढ़ाई कर रहे होते हैं। कब? जब डेट शीट आ जाती है या फिर टीचर जो है वो उनको डांट लगा देता है। पेरेंट्स मीटिंग में टीचर पेरेंट्स को कन्वे कर देता है कि इसकी परफॉर्मेंस ख़राब चल रही है, या फिर घर पे जो पापा हैं वो डंडे से पिटाई कर देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो वो जो बच्चे होते हैं वो तुरंत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तुरंत फोकस करने लगते हैं। अब उनके जैसा डिवोशन उन 5% में भी हमने कभी नहीं देखा होता जो वो उस समय में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इमरजेंसी आ गई। डॉक्टर वाले केस में भी हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय इमरजेंसी आ गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ये थोड़ा पर्सनल लाइफ से है। यहाँ पर जैसे कभी कोई इंक्वायरी आती है, कोई इंसान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना चाहता है या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है। वैसे अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है कि इंसान इंटरव्यू स्किल की तैयारी करने तब चलता है जब कहीं से बिल्कुल इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, जब प्लेसमेंट का टाइम बिल्कुल नज़दीक होता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब मेरी जॉब नहीं लगी ना तो जो मैंने पूरी मौज मारी है 4 साल या जो 10 लाख रुपए मैंने इंजीनियरिंग में लगाए हैं या 4-5 लाख रुपए मैंने MBA में लगाए हैं वो सारा पैसा डूब जाएगा। उस समय वो सारी चीज़ें करता है और मैक्सिमम केस में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है जो वो चाहता होता है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। लेकिन उसने क्यों करा? इमरजेंसी आ गई। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एडमिशन कब लेगा? जब कहीं बेइज्जती हो जाएगी, कहीं पर बोल नहीं पाएगा, कहीं पर नज़रें नीची हो जाएंगी। उस दिन सोचेगा यार कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे अंदर, यार तुझे कुछ करना चाहिए। उस दिन तो कुछ हो सकता है, इंक्वायरी वगैरह करे, गूगल पे सर्च करे, 2-4 जगह फ़ोन मिलाए, लेकिन फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। तो यहाँ पर भी कब करते हैं लोग? जब इमरजेंसी आती है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो इमरजेंसी से कनेक्टेड है। हम जो भी चीज़ें करते हैं वो वाय, जब तक हमारी लाइफ में वाय ना हो तब तक हम नहीं करते हैं। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो चीज़ें जैसे हेल्थ के ऊपर फोकस करना, जैसे पढ़ाई करना, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करना, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन कब करी? जब इमरजेंसी आ गई, जब इस बाहर की दुनिया के लोगों ने हमें वाय प्रोवाइड किया। और जब बाहर की दुनिया के लोग वाय देते हैं ना तो इमरजेंसी फॉर्म में देते हैं, और इमरजेंसी फॉर्म में करने में फिर मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो मजबूरी बन जाती है। तो मजबूरी में करना है या मज़े में करना है, इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम ये तो समझ चुके कि हम
कैसे बिहेव करते हैं, व्हाई से बिहेव करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपके पास शादी के दो कार्ड हैं, दोनों कार्ड एक ही डेट के हैं, एक ही टाइम के हैं, और आप दोनों में से एक में ही जा सकते हो। आप किस में जाओगे? आप उसमें नहीं जाओगे जिससे आपका रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अपने से ये भाई में आपके आंसर आएगा अंदर से कि हाँ, इससे मेरी अच्छी साठगांठ है, ये इससे मेरी क्लोजनेस है, मैं इसकी शादी में जाऊंगा, और आप वहीं जाओगे। तो आपने क्या ढूंढ लिया? भाई ढूंढ लिया। तो हम भाई से कनेक्टेड हैं, तो जब अंदर से ढूंढते हैं तो विलिंगनेस के साथ करते हैं, और जब बाहर वाले हमें भाई देते हैं तो हम मजबूरी में करते हैं। अब यहाँ पर क्या आपसे कहना चाहूँगा कि जो भाई है, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार चल रहा है, इसकी पावर को समझते हैं। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है, उसको समझते हैं। आपने वो देखा होगा ना, रॉक, द रॉक जो रेसलर था पहले, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आपको रॉक के साथ फाइट करनी है, आपको उससे लड़ना है, तो आप कहोगे मैं क्यों लड़ूँ, मरवाएगा क्या? आप नहीं लड़ोगे। लेकिन अगर वही रॉक है और वो रॉक आपकी मदर या आपकी सिस्टर के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी जान का रिस्क लेकर लड़ोगे, और चांसेस हैं कि अपना सब कुछ झोंक दोगे उसे जीतने के लिए। क्या मिल गया? वाय मिल गया, और वाय की पावर भी मिल गई। तो ये वाय इतना पावरफुल है। अब ये वाय हम मिस कर जाते हैं। हमें ये तो पता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, हम वाट में स्टक हो गए हैं। अब ये वाट में स्टक तो हो गए हैं, लेकिन हम इस वाट का, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सारे वाट का हमने वाई डिस्कवर नहीं किया है। अब क्योंकि ये वाई डिस्कवर नहीं किया है, तो कभी भी ये चीज़ें अर्जेंसी में आती ही नहीं हैं, हमारे लिए इमरजेंसी में आती ही नहीं है, और इसीलिए पेंडिंग रह जाती हैं। क्योंकि जो जो चीज़ें इमरजेंसी वाली हैं, जो जो चीज़ें अर्जेंट हैं, जिस जिसके लिए बाहर वाले हमें फोर्स करते हैं, वो चीज़ें तुरंत होती रहती हैं, और जो इनर मोटिवेशन है, जो वाई से आना था, वो हमने आज तक डिस्कवर करा ही नहीं। इसलिए वो चीज़ें जिन्हें हम करना चाहते हैं वो पेंडिंग रहती चली जाती हैं। तो अब करना क्या है, कैसे होंगे वो काम जो आप करना चाहते हो, सच से करना चाहते हो, अपने मन से करना चाहते हो, और मज़े लेकर करना चाहते हो? तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और अपने आप से मीटिंग करो, सेशन रखो अपने साथ, और अपने आप से सवाल जवाब करो, और ये रीज़न पता करो कि वो जेन्युइन वाला वाय क्या है। क्यों आप वो एम्बिशन को अचीव करना चाहते हो? क्यों आप उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो? क्यों आप इस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इतने डेडिकेटेड हो? जब आप इस चीज़ को करेंगे, अपने साथ सेशन रखेंगे, अपने आप से बातें करेंगे और अपने आप से ये सवाल जवाब करेंगे, तो इन्हीं सवाल जवाबों के दौरान आप अपना वाय बिल्ड कर लेंगे। आपको वो आंसर्स मिलेंगे जिनसे आप सेल्फ कनेक्टेड फील करेंगे, और उस कनेक्टेडनेस के साथ उस वाय को शॉर्ट में डिसाइड करके, लंबे लंबे पेजेस में नहीं, शॉर्ट में, चार लाइन में डिसाइड करके, अपने बेडरूम में अपनी आंखों के सामने लगा लीजिए, उसको रोज़ देखिए, और उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर सेशन विद वाय, और आपको पता चलेगा कि अब आपके दिन में जो जो काम आप कर रहे हो वो काम है जो आप करना चाहते थे, या फिर वो काम है जो आपको उन कामों की तरफ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डीपली ऑनर योर पैशन फॉर लर्निंग एंड योर विलिंगनेस टू चेंज। आई बिलीव यू आर वन ऑफ दोज फ्यू हु वांट टू बी द न्यू यू। ऑन दिस चैनल आई मेक वीडियोज दैट कैन एड वैल्यू टू योर लाइफ एंड टू द सोसाइटी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज। Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.